क्या एक बार फिर से अलग हो जाएगी आजसू और भाजपा? 2019 की तरह क्या फिर से भाजपा को करना होगा हार का सामना? क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में बिगड़ जाएगा झारखंड का राजनीतिक समीकरण? ये सवाल इसलिए उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि एक बार फिर से संभावना बन रही है कि भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीए की घटक दल आजसू ने जितने सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी थी उसे गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी भाजपा ने पूरा नहीं किया। खबर ये भी है कि गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड भी इस बार चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, वह भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस वजह से भाजपा के लिए अपने घटक दलों के साथ साथ कुड़मी वोटरों को साधना बड़ी चुनौती बन सकता है। इस बार पार्टी को अपने ही घटक दलों की बगावत का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। लेकिन इस बीच भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीट शेयरिंग पर भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसे लेकर पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा प्रदेश के नेताओं ने पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा की। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर चर्चा हुई। रणनीति के तहत पहली लिस्ट में राज्य की आदिवासी आरक्षित सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुदेश महतो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत कर 12 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं की ओर से 6 या 7 सीटें देकर मनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जो सीटें आजसू पार्टी को देने के लिए सहमत है उनमें सिल्ली, रामगढ़, डुमरी, गोमिया, तमाड़ और बड़कागांव शामिल है। वहीं ईचागढ़ विधानसभा सीट को लेकर जीत अब भी कायम है। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर आजसू की डिमांड पूरी नहीं की गई तो पार्टी बगावत कर सकती है। ऐसे भी माना जा रहा था कि आजसू से एकमात्र सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न करने से पार्टी नाराज चल रही है और कंपनसेशन के तौर पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती है और ऐसा न होने पर गठबंधन से अलग होकर चुनावी मैदान में भी उतर सकती है। मतलब 2019 वाली स्थिति फिर से उत्पन्न होने की संभावना है। दरअसल साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में भी आजसू ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिसके वजह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी और बाजी झामुमो कांग्रेस वाली गठबंधन ने मार दी। इसलिए आजसू को झारखंड में सत्ता का किंगमेकर भी कहा जाता है। वहीं इस बार के चुनाव में तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी राज्य में अपना खोया राजनीतिक आधार हासिल करने को लेकर बेताब है। झारखंड में साल 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग दिखाई पड़ रही है। बिहार और केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन होने के बावजूद जेडीयू फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि जेडीयू और सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा इस बार मिलकर भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि चुनाव के आखिर तक जेडीयू एक बार फिर से भाजपा के ही साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए वह एनडीए के समक्ष अपनी दावेदारी पेश भी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक गठबंधन के साथ मिलकर जेडीयू 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं युवाओं और बेरोजगारों के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा क्रेज जयराम महतो का है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी JBKSS 50 से 60 सीटों पर ताल ठोकती नजर आएगी। जयराम महतो ने इस बात की घोषणा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दी है। इन सब परिस्थितियों में राज्य का कुड़मी समीकरण बिगड़ सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजसू, जेडीयू और JBKSS तीनों ही कुड़मियों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में तीनों ही पार्टियों का टारगेट उन्हीं विधानसभा सीटों पर होगा जहां कुड़मी वोटरों की भूमिका निर्णायक है।
राज्य में सत्ता के निर्णय में आदिवासियों के बाद कुड़मी ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में कुड़मियों की जनसंख्या करीब 16% है। ऐसे में भाजपा के लिए कुड़मी समेत पूरे पिछड़े वर्ग को साधना एक बड़ी चुनौती साबित होगी। आजसू, जेडीयू और जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव का हाल देखकर भाजपा आजसू को नाराज भी नहीं कर सकती है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जो इस वक्त केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में है, भाजपा के आगे इसकी भी डिमांड पूरी करनी एक बड़ी चुनौती होगी। दोनों पार्टियों को साधने के बावजूद भाजपा को जयराम महतो का सामना भी करना होगा। इन सब वजहों से झारखंड में इस बार का विधानसभा का चुनाव भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। परिस्थितियां अनुकूल ना रही तो पार्टी हार का सामना कर सकती है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा एक और चैनल भी है ग्राम सभा के नाम से, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।